हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि ऐसे आप दराज का अकाउंट बनाओगे। तो दोस्तों बिल्कुल ही आसान सा काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है। सिर्फ आपने दोस्तों करना है क्या कि वीडियो आपने एंड तक देखनी, ताकि यार आपको फुल डिटेल से समझा सकूं कि यार आपने दराज का अकाउंट कैसे बनाना है। क्योंकि दोस्तों अगर आप वीडियो काट काट के देखोगे तो यार आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। और दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले यार आप सबसे मेरी हर वीडियो में एक ही रिक्वेस्ट होती है कि यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यार हमें सपोर्ट करें। और दोस्तों आप सबके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूं तो यार आप सबका एक सब्सक्राइब तो मेरे लिए बनता है। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यार दराज की ऐप इंस्टॉल हो जाती है तो फिर मैं आपको दिखा देता हूं कि यार आपने करना क्या क्या है। ये इंस्टॉल हो चुकी है, ठीक है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूं। तो दोस्तों मैंने यहाँ इसको ओपन कर लिया, थोड़ा सा मोबाइल मेरा हैंग हो रहा है। तो अब आपने करना क्या है, सिंपली यहाँ आप देख सकते हो स्किप टू द ऐप, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ मैंने कर दिया इसके ऊपर क्लिक, और उसके बाद आप यहाँ देख सकते हो कि यार अकाउंट्स लिखा हुआ है यहाँ साइड में नीचे, आप यहाँ देख सकते हो अकाउंट्स लिखा हुआ है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ, तो इसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। अब आपने करना क्या है, सिंपली यहाँ आप ऊपर देख सकते हो साइन लॉग इन साइन अप, ठीक है, इसके ऊपर आपने जो है ना क्लिक कर देना। तो यहाँ मैंने क्लिक कर दिया इसके ऊपर। तो दोस्तों अब आपको मैं बता दूँ कि यार आप तीन तरीके से जो है ना अकाउंट बना सकते हो, ठीक है। एक जो है ना आप यहाँ फेसबुक से भी बना सकते हो, नीचे आप देख सकते हो, ठीक है, और दूसरा आप जीमेल की आईडी से भी जो है ना गूगल के अकाउंट से भी आप जो है ना लॉग इन कर सकते हो, ठीक है, अकाउंट जो है ना अपना बना सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों अब आपको मैं जो ना फिलहाल मैं सिम के नंबर पर बनाऊंगा, तो मैं अपना यहाँ सिम नंबर लिख लेता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों मैंने अपना मोबाइल नंबर लिख दिया, और अब आपने करना क्या है, सिंपली आपने नेक्स्ट कर देना नंबर डालने के बाद। अच्छा दोस्तों अब नंबर डालने के बाद मैंने नेक्स्ट कर दिया था। नेक्स्ट करने के बाद अब आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि यार दोस्तों अभी जो आपका जो नंबर आपने डाला था, ठीक है, जो अकाउंट बनाने के लिए, तो दोस्तों याद रहे कि यार उसके ऊपर जो ना व्हाट्सअप का अकाउंट होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि दोस्तों जो ये वेरिफिकेशन कोड है ये व्हाट्सअप के ऊपर आएगा, ठीक है, और व्हाट्सअप भी आपके मोबाइल के अंदर जो ना ओपन होना चाहिए, ठीक है दोस्तों, क्योंकि अगर ओपन नहीं होगा तो उसके ऊपर जो कोड आएगा वो आपको पता नहीं चलेगा। तो दोस्तों अभी आप यहाँ देख सकते हो, मैं आपको थोड़ा पढ़ के भी दिखाता हूँ। प्लीज़ इंटर दिस डिजिट कोड सेंड टू व्हाट्सअप, ठीक है दोस्तों, आपके व्हाट्सअप नंबर पर आया, ठीक है, तो यहाँ सिम पे नहीं आया, ये जो व्हाट्सअप पे जो आपने अकाउंट बनाया था वह सिम के ऊपर जो व्हाट्सअप का अकाउंट आपने बनाया था उसके ऊपर ये आया, ठीक है, तो मैं आपको ऊपर करके दिखा भी देता हूँ। तो दोस्तों अब आप यहाँ देख सकते हो मैंने बस दराज वालों का वो आया, ठीक है, मैसेज आया व्हाट्सअप पर, आप देख सकते हो यूज 9669994 टू वेरीफाई योर दराज अकाउंट वैलिड फॉर 5 मिनट, डोंट शेयर द कोड विथ एनीवन, ठीक है, मतलब शेयर नहीं करना। और दोस्तों ये 5 मिनट में जो ना वो हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, एक्सपायर हो जाएगा। तो ये कोड मैं भी डाल देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों आपको मैंने ये बताना था कि यार अगर कोड जो है ना आपके जो ना व्हाट्सएप के जिस सिम पे जो सिम नंबर आपने डाला उसके ऊपर आएगा, लेकिन उसके ऊपर तो आएगा, लेकिन उसके ऊपर व्हाट्सएप का अकाउंट होना ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों अगर उसके ऊपर व्हाट्सएप अकाउंट नहीं होगा तो दोस्तों फिर जो ना वेरिफिकेशन कोड नहीं आएगा। तो दोस्तों मेरे नंबर पे व्हाट्सएप बना हुआ था, व्हाट्सएप का अकाउंट बना हुआ था, तो आप यहाँ देख सकते हो वेरिफिकेशन कोड आ गया, और दोस्तों कोई मैसेज नहीं आया मेरी सिम पर, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अब ये कोड मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ, ठीक है, और वहाँ फिर पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों जैसे ही आप जो है ना वेरिफिकेशन कोड डाल दोगे तो आगे का प्रोसेस आपके सामने इस तरह का आ जाएगा, क्रिएट एन अकाउंट, ठीक है, प्लीज़ इंटर योर नेम एंड सेटअप पासवर्ड, ठीक है। तो अब आपने करना क्या है, जो दराज का अकाउंट है उसका नाम आपने यहाँ लिखना है, ठीक है। तो यहाँ मैं जो है ना लिख देता हूँ मोहम्मद जलाल, ठीक है, तो मैं यहाँ मोहम्मद जलाल लिख देता हूँ, ठीक है, और नीचे आपने जो पासवर्ड डालना है वो आप यहाँ देख सकते हो, मिनिमम चार्टर 6, ठीक है, विथ नंबर एंड लेटर, ठीक है। तो मतलब आपने जो ना 6 इंचों से ज़्यादा का जो ना आपने पासवर्ड डालना है, ठीक है, वो 10 का हो 12 का हो, लेकिन उसमें नंबर का भी आप नंबर का एक लेटर भी आपने डालना, मतलब जैसे 12, जैसे जीमेल की आईडी होती है तो JAB आगे आ जाता है, ठीक है, उसके आगे जो ना 123 आ जाता है, तो इस तरह आपने जो ना इसके अंदर भी पासवर्ड के अंदर भी 123 या कुछ भी आपने डाल देना, ठीक है। तो यहाँ मैं डाल देता हूँ। तो दोस्तों मैंने जो ना पासवर्ड डाल दिया, ठीक है, और अब आपने करना क्या है, पासवर्ड डालने के बाद और अपना नाम डालने के बाद एग्री एंड क्रिएट अकाउंट, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है।
तो दोस्तों ये बिल्कुल ही लास्ट स्टेप था, ठीक है, आखिरी जो ना हिस्सा था, ठीक है। तो अब आप यहाँ देख सकते हो जो अकाउंट है ये करना एग्री एंड क्रिएट अकाउंट पे जब आप क्लिक करोगे तो दोस्तों आपका अकाउंट कम्प्लीटली बन जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो मेरा अकाउंट बन चुका है, ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो, ठीक है। तो लाइन बना के आपको दिखा भी देता हूँ मैं। तो आप यहाँ देख सकते हो मेरा जो अकाउंट है बन चुका है, आप ऊपर मेरा नाम भी देख सकते हो, मोहम्मद जलाल आ चुका है। तो दोस्तों बिल्कुल ही आसान सा काम है, आपने देखा दराज का अकाउंट बनाना, तो दोस्तों बिल्कुल ही आसान सा काम है। अगर दोस्तों वीडियो देख कर भी आपको कुछ समझ ना आए तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको समझा दूंगा। कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही हो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यार अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दें और यार हमें सपोर्ट करें। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था, अब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। ओके बाय।